हेलो फ्रेंड्स, तो जैसा कि आप देख सकते हैं, ये है मेरे पास एक इलेक्ट्रिक बाइसाइकिल का पैकेज। और इस कंपनी का नाम मैं बता दूं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका नाम है ई मोटोरैड। तो ये बेसिकली पुणे बेस्ड इलेक्ट्रिक व्हीकल स्टार्टअप कंपनी है जो अराउंड 1 या 2 ईयर्स बैक स्टार्ट हुई थी। और इसके अभी कुछ 3 या 4 इलेक्ट्रिक बाइसाइकिल्स है और इसका प्लान है आगे कि इलेक्ट्रिक स्कूटर या फिर इलेक्ट्रिक बाइक्स को मैन्युफैक्चर करने के लिए। तो इसका ये प्रोडक्ट मुझे रिव्यू के लिए भेजा है, ये टीरेक्स इलेक्ट्रिक बाइसाइकिल है। इसका जो पैडल असिस्ट रेंज है वो 60 किलोमीटर्स का है और टॉप स्पीड 25 किलोमीटर पर आर की है, क्योंकि एक बाइसिकल है। इसके प्राइस की बात करें तो इसकी जो ऑन रोड प्राइस है वो 47,000 रुपीज़ है। तो थोड़ा सा महंगा इलेक्ट्रिक बाइसिकल है। अगर आप बाकी की कंपनी से कंपेयर करोगे जैसे कि हीरो इलेक्ट्रो, तो उसमें आपको 25,000 to 30,000 में इलेक्ट्रिक बाइसिकल मिल जाती है, जिसमें 50 किलोमीटर्स तक का पैडल असिस्ट रेंज मिल जाता है। लेकिन इस इलेक्ट्रिक बाइसिकल में कुछ खास चीज़ें हैं। इसका जो बैटरी है वो भी थोड़ा सा अच्छा है और इसका जो फ्रेम है वो भी काफ़ी अच्छा है। तो इस वीडियो में हम इस इलेक्ट्रिक बाइसिकल को अनबॉक्स करते हैं, इसको सेटअप करेंगे और थोड़ा बहुत इसका हम टेस्ट राइड भी ले सकते हैं। लेकिन इसका मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा जिसमें इसका हम टेक्निकल स्पेसिफिकेशन बाकी सब चीज़ों के बारे में देखेंगे, क्या कुछ इसमें आपको देखने के लिए मिलता है। और उसके बाद मैं आपके साथ अपना राइडिंग एक्सपीरियंस और भी चीज़ें शेयर करूंगा कि क्या ये रिलायबल बाइसिकल है, आपको ख़रीदना चाहिए या नहीं ख़रीदना चाहिए। तो चलिए इसका सबसे पहले अनबॉक्सिंग करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसमें थोड़ी सी टेपिंग लगा रखी है, उसको सबसे पहले खोल लेते हैं। तो थोड़ा सा मुझे टाइम लगेगा तो मैं वीडियो को थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड कर लेता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये बाइसिकल ऑलरेडी असेंबल्ड है। इसमें थोड़े सा एक ये होता है कि टायर, इसका जो फ्रंट टायर होता है उसको निकाल दिया रहता है, बाकी जो बाइसिकल है वो पूरी असेंबल्ड रहती है। यहाँ आप देख सकते हैं पैकेजिंग भी डिसेंट है। थोड़ी सी मैं बोलूँगा अगर इसमें कुशनिंग थोड़ी सी ज़्यादा होती तो थोड़ा सा ज़्यादा प्रोटेक्शन होता, बट ओवरऑल ठीक लग रही है। और मोस्टली ये होता है कि डैमेज नहीं होना चाहिए, तो इसमें लग तो नहीं रहा कि कुछ डैमेज है। तो इसको अभी हम पूरा निकालते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने इस इलेक्ट्रिक बाइसिकल को अनबॉक्स कर दिया है, मतलब निकाल दिया वैसे इसको मैंने। और अभी आपको मैं इसमें दिखाता हूँ कि क्या कुछ इसमें चीज़ें देखने के लिए मिलती है। तो यहाँ पर आप देखेंगे आपको एक सीट मिल जाती है, तो इसको भी हम असेंबल करेंगे। उसके बाद इस बॉक्स में दिखाता हूँ मैं आपको, तो इस बॉक्स में आप देख सकते हैं आपको चार्जर मिल जाता है, ये शायद इसका चार्जर है। तो इसको अभी हम, इसमें एक अच्छी चीज़ ये है कि इसकी जो बैटरी होती है वो डिटैचेबल होती है। वैसे हर बाइसिकल में आपको, इलेक्ट्रिक बाइसिकल में आपको डिटैचेबल बैटरी मिलेगी, तो कहीं पे भी आप ले जाके इस इलेक्ट्रिक बाइसिकल को चार्ज कर सकते हैं। वैसे आप इसको घर पे ले जाके भी इसकी बैटरी को चार्ज कर सकते हैं, या फिर आप ऑफिस में भी रख सकते हैं इस बैटरी को चार्ज करने के लिए। और इसके बाद हम देखते हैं इस बॉक्स में क्या मिलता है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसके जो है वो पैडल मिल जाते हैं, जो फुट रेस्ट है वो मिल जाता है, तो उसको भी हमें लगाना पड़ेगा। तो ये सब चीज़ें मिल जाती हैं इसमें। और बाकी अगर हम यहाँ पे देखें तो आपको ये है इसका जो टायर है वो निकल जाता है यहाँ पे, तो इस टायर को भी हमें लगाना पड़ेगा। और यहाँ पे आप देख सकते हैं इसमें जो है डिस्क ब्रेक मिल जाता है आगे और पीछे, तो दोनों साइड आपको डिस्क ब्रेक मिलता है। चलिए इसको मैं एक बार फिट कर लेता हूँ। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने इस बाइक को ऑलमोस्ट मैंने इसको असेंबल कर दिया है। तो काफ़ी ज़्यादा ये कॉम्प्लिकेटेड था, थोड़ा सा मैं बोलूँगा कि आप किसी प्रोफेशनल की मदद ले सकते हैं, बट अगर आपको समझ आता है, आपके पास टूल्स हैं, नेसेसरी टूल्स हैं, तो आप इस इलेक्ट्रिक बाइसिकल को असेंबल कर सकते हैं। हार्डली ये 15 to 20 मिनट से काम रहता है। और इसमें अभी मुझे हैंडल को असेंबल करना है, तो वैसे टायर इसका जो था वो उसको जैसे मैंने अभी लगा रखा है, उसके बाद नीचे मैं उसके नट लगा दूंगा। और हैंडल के लिए आप देख सकते हैं यहाँ पे ऊपर एक सॉकेट है, इसको जस्ट हटाना है, खोलना है और उसको लगा देना है, ठीक है। उसके बाद बैटरी तो पहले से असेंबल थी, तो बैटरी में मैंने कुछ किया नहीं है। बाकी अगर ये डिस्चार्ज होगी तो मुझे घर ले जाके चार्ज करना पड़ेगा। और हैंडल भी आप देख सकते हैं, तो इसमें आपको यहाँ पर देख सकते हैं तो राइडिंग गियर्स मिल जाते हैं, यहाँ पर आप देखेंगे गियर्स मिल जाते हैं। उसके बाद ये इसका डिजिटल इंस्ट्रूमेंट पैनल मिल जाता है, तो इसको भी हम असेंबल करेंगे। उसके बाद आप यहाँ देख सकते हैं पीछे पहले से सेटअप था, पहले से गियर्स वेयर सब कुछ लगे हुए थे। स्टैंड है, इसको लगाना है। उसके बाद मड गार्ड आप देख सकते हैं, मड गार्ड है आगे और पीछे का, वो लगाना है। और बाकी जो है ये सीट लगानी है, और ये तो इसका चार्जर है। तो थोड़ा सा सामान है इसमें अभी लगाना बाकी। तो मेरे को लगता है मेरे हिसाब से कुछ इसको लगा था टाइम 15 to 20 मिनट्स लगेगा, मतलब टोटल मैं मानूँ तो आधे घंटे में एक बाइसिकल आराम से असेंबल हो जाती है। तो अगर आपको नहीं आता है, आपको कुछ टूल्स भी नहीं आपके पास, तो थोड़ा सा आप प्रोफेशनल हेल्प ले सकते हैं। तो चलिए आगे वीडियो कंटिन्यू करते हैं और आगे इसको असेंबल करते हैं। इसके बाद आप यहाँ पे देखेंगे मैंने इसका स्टैंड को अभी लगा दिया है, तो इसमें कुछ करना नहीं होता वैसे। इसमें पहले से दो नट दे रखे थे, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस टाइप के दो नट हैं, ये स्टैंड के साथ लगे हुए थे, तो उसको हटाया। उसके बाद यहाँ पर जो स्लॉट दिया गया है उस पर लगाना है, बस कुछ करना नहीं है बाकी। इसके बाद अभी मैं इसका जो है पैडल को लगाऊंगा, तो पैडल लगाना तो कोई भी ज़्यादा बड़ा काम नहीं है, जस्ट नट को टाइट करना है। उसके बाद हैंडल के लिए आप देखेंगे यहाँ पे तो चार नट है, पहले तो मैंने इस नट को खोल देना है, और खोलने के बाद इस हैंडल को इंसर्ट कर देना है, तो और कुछ बचेगा नहीं इसमें।
और सीट में भी आप देखेंगे तो यहाँ पे जस्ट इसका ये स्क्रू को ढीले करना है और उसको घुसा के टाइट कर देना है। और यहाँ पे आप देखेंगे जो नट है इसका भी लगाना है मुझे, जो फ्रंट का एक्सल है उसका नट लगाना है। तो उसके बाद ये बाइसाइकिल पूरी असेंबल हो जाएगी। वेलकम बैक फ्रेंड्स। तो फाइनली मैंने इस इलेक्ट्रिक बाइसाइकिल को कम्प्लीटली असेंबल कर दिया है। मुझे थोड़ा सा टाइम लगा और मैं बोल सकता हूँ अराउंड मुझे 1 आवर का टाइम लग गया होगा, 1 घंटे का टाइम लग गया होगा और बाइसाइकिल अभी कम्प्लीटली असेंबल्ड है। तो इसमें अभी आप देखेंगे तो इसका जो इंस्ट्रूमेंट पैनल है अभी ये चलने लग गया है, तो इसका जो बैटरी है थोड़ी सी कम चार्ज है लेकिन आपको यहाँ पर दिख जाएगा। तो ये देख सकते हैं इसका इंस्ट्रूमेंट पैनल भी चल गया है। यहाँ पर इस साइड देखेंगे तो आपको शिमानो के 7 स्पीड का गियरबॉक्स मिलता है, तो ये इस टाइप से आप लगाते हैं और अगर निकालना है तो आपको नीचे करना है तो इस टाइप से आप कर सकते हैं, ठीक है। और बाकी जो इसमें हैंडल बार मिलता है वो स्ट्रेट टाइप का हैंडल बार मिलता है। यहाँ पे आपको लिथियम आयन की बैटरी मिल जाती है, तो इसमें आपको 36 वोल्ट 7.5 एम्पीयर आवर की लिथियम आयन की बैटरी मिलती है और इसमें जो मोटर यूज़ की गई है वो 250 वाट की मोटर है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस टाइप से इसकी मोटर यूज़ की गई है और इसमें जो है आपको गियर्स मिल जाते हैं। उसके बाद जो सीट की हाइट है वो आप अपने हाइट के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं। यहाँ पे जो है आपको ये क्लिप मिल जाता है, तो अगर आप जैसे इसको ओपन करेंगे तो ये आप जितना हाइट में ले जाना चाहते हैं उस हाइट पे ले जाके आपको इसको क्लोज करना पड़ता है। यहाँ से प्रेस होके ये क्लोज हो जाता है। उसके बाद अगर हम नेक्स्ट बात करें तो यहाँ पर आपको डिस्क ब्रेक मिल जाता है आगे की तरफ और पीछे भी आपको डिस्क ब्रेक मिल जाता है। तो ब्रेकिंग इसकी काफ़ी अच्छी है, तो वैसे ज़्यादा इस बाइसाइकिल की स्पीड भी नहीं है, तो 25 किलोमीटर पर आवर की स्पीड आती है अगर आप सिर्फ मोटर पावर यूज़ करेंगे। वैसे अगर आप पैडल असिस्ट भी यूज़ करते हैं तो आपको 50 टू 55 किलोमीटर पर आवर की स्पीड मिल जाती है, तो डिपेंड करता है आप किस टाइप से चलाते हैं। बाकी इसमें आपको LED हेडलाइट मिल जाती है और यहाँ पर जो है आपको हॉर्न का भी ऑप्शन मिलता है। तो यहाँ पर मैं दिखाता हूँ आपको, ये है इसका हॉर्न। और इसके इंस्ट्रूमेंट पैनल की बात करें तो इसमें आपको यहाँ पर जो है स्पीडोमीटर मिल जाता है। यहाँ पर आप देखेंगे तो 0 का जो असिस्ट है, मतलब इसमें आपको मोटर पावर कुछ भी नहीं मिलेगी, जो भी है आपको मैकेनिकल एफर्ट्स डालने पड़ेंगे। उसके बाद आप यहाँ पे देखेंगे अगर आप असिस्ट को बढ़ाएंगे तो 1 मतलब थोड़ा सा असिस्ट मिलेगा आपको, थोड़ी सी मोटर की पावर मिलेगी, लेकिन मोस्टली आपको पेडल ही चलाने पड़ेंगे। उसके बाद जैसे जैसे आप बढ़ाते जाएंगे उसके हिसाब से आपको मोटर पावर मिलेंगे। तो अगर 5th पेडल असिस्ट में चलाएंगे तो आपको जो पेडल है वो काफ़ी कम लगाना पड़ेगा और जो मोटर की पावर है वो ज़्यादा मिलेगी, तो उस टाइप से उसकी रेंज भी आती है। और अगर आपको पेडल चलाने ही नहीं है, आपको जस्ट ये है कि आपको बस कंफर्टेबली जाना है, थक गए हैं आप, तो आप डायरेक्टली इसका जो एक्सेलरेशन है इसको ही चला सकते हैं। तो उस टाइप से ये इसमें जो है आपको 25 किलोमीटर पर आवर की स्पीड मिलती है। और बाकी इसके चैसी की बात करें तो चैसी भी ओके है। तो वैसे अगर आप इस बाइसाइकिल में इंटरेस्टेड हैं तो आप इसकी जो वेबसाइट है www.emotorad.com में जाके इस इलेक्ट्रिक बाइसाइकिल को बुक कर सकते हैं। तो इसका जो फाइनल प्राइस है वो 47,000 है और ये इस टाइप से कुछ ये बाइसाइकिल दिखती है। तो यही सब ई मोटो रैड की T-Rex इलेक्ट्रिक बाइसाइकिल पर एक वीडियो था, इसका अनबॉक्सिंग था। इसके नेक्स्ट वीडियो में मैं इसका जो है राइडिंग करूँगा, किस टाइप से ये बाइसाइकिल चलती है और किस टाइप से आपको परफॉर्मेंस मिलता है अगर आप इसको इंक्लाइंड ले जाते हैं, तो किस टाइप से आपकी स्पीड आती है और कैसे इसकी परफॉर्मेंस है, कंफर्टेबल कितनी है ये इलेक्ट्रिक बाइसाइकिल, और गिवन द प्राइस पॉइंट, इसकी जो प्राइस है वो 47,000 है, उस प्राइस पॉइंट पर कितना जस्टिफाई करती है। तो चलिए मिलता हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। तो मेरी तरफ से दोस्तों आज इतना ही, थैंक यू।